मास्क लगाना भूल गए ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते होंगे, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे, कोविड प्रोटोकॉल तो आप पूरी तरह से कहीं ताक पर रख चुके हैं। आपको ये लग रहा होगा कि मैं शिकायत कर रहा हूं अपने वीडियो में। हाँ, मैं शिकायत कर रहा हूं क्योंकि कातिल कोरोना फिर से लौटने लगा है। 67 दिन के बाद में, लगभग 2 महीने के बाद, 67 डेज के बाद में देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद पहुंच गई है 3000। ये केस जो है डराने लगे हैं। कोविड मामले में अचानक इजाफा हुआ, H3N2 वायरस भी साथ में चला आया है। यही एक वजह है कि अब देश को फिर से डरने की जरूरत है। लगभग यही वक्त था ना, आपको याद है, मार्च अप्रैल और मई 2021, आज से ठीक 2 साल पहले, जब कोरोना की सेकेंड वेव में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हुई थी और भारत में हाहाकार मच गया था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी और वो दिन वापस लौट सकता है। इसीलिए आपको डरने की जरूरत है और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि देश में पिछले 3 हफ्ते में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी के साथ में बढ़े हैं। 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच देश में कोरोना के 1898 नए केस सामने आए हैं। इसके पहले हफ्ते में आए कोरोना केस से 63% ये ज्यादा है। 20 से 26 फरवरी के बीच कोरोना के 1163 केसेस आए, इसके पहले के हफ्ते से 39% ज्यादा। वहीं 13 से 19 फरवरी के बीच कोरोना इन्फेक्शन के 839 केस आए, जो इससे पहले के हफ्ते के 13% ज्यादा। और अब ये केस कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया है, कई गुना यानी 67 दिन के बाद में 63% ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क आप जरूर लगाएं, अपनी इम्यूनिटी आप मजबूत करके रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहें, योगा आप जरूर करें और जितनी भी हर्बल चीजें हैं, जितनी भी हरी सब्जी है, उन सभी का सेवन आप जरूर करें। और अपने कोशिश ये करें कि अपने फेफड़े को आप मजबूत रखें, कोशिश ये करें कि आपके शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। और बूस्टर डोज अगर नहीं लिया है तो अब वक्त आ गया है कि आप बूस्टर डोज जरूर लें। नमस्ते।